हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइए कि आपके हरियाणा ग्रुप डी में कितने मार्क्स बने और आपको क्या लगता है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम बात करते हैं, ये आपके दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी, इसके बेसिस पर है, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये आपके लगभग जो है 18,000 पदों पर ये भर्ती हुई है और इसमें लगभग 65 से 70% बच्चे जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, यानी आपके जो है 30 से 35% बच्चे एबसेंट रहे हैं। और इस परीक्षा का रिजल्ट जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है, यानी अगले साल यानी 2019 में जनवरी या फरवरी में इसका रिजल्ट आ सकता है। और ये कहना है एचएसएससी के चेयरमैन भारत भूषण भारती का, इनके अनुसार करीब 65 से 70% अभ्यर्थी उपस्थित रहे और इसका रिजल्ट अगले साल पहले या दूसरे महीने में जारी किया जा सकता है। और साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपके मार्क्स कितने बने और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको कितनी लगती है। थैंक यू।